नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग पंजाब के युवाओं को कर रहे हैं बदनाम, कांग्रेस अब बन चुकी है इतिहास। पंजाब के मजीठा में राहुल गांधी का ऐलान, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनेंगे अगले सीएम। राहुल ने अकाली सरकार पर साधा निशाना, कहा बादल किसानों को देते हैं खुशी लेकिन पंजाब के बादलों ने जनता को कुछ नहीं दिया। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, किसानों का कर्ज माफी से लेकर ड्रग्स से मुक्ति तक के मुद्दों को किया शामिल। घोषणा पत्र में आम आदमी कैंटीन का वादा, 5 रुपए में खाना देने का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अखिलेश ने किया साफ, किसी भी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे क्योंकि विधान परिषद के सदस्य के रूप में 2018 तक रहेगा कार्यकाल। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में सलमान ने खुद को बताया बेकसूर, बयान में कहा झूठे आरोप में फंसाया गया मुझे, घटना के समय अपने होटल में था मौजूद। सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम के भी बयान हुए दर्ज। भारतीय मूल के 3 लोगों को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मेडिसिन और कम्युनिटी में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा सम्मान, माखन सिंह खांगुरे, सावरकर और विजय कुमार का नाम शामिल। और भारतीय वनडे रैंकिंग में एक पायदान नीचे खिसके भारतीय कप्तान विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज, डिविलियर्स दूसरे स्थान पर जबकि कोहली तीसरे स्थान पर पहुंचे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।